आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम जितने भी प्राइवेट स्कूल के ओनर्स हैं, हम सभी पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जम्मू, यहाँ पर जम्मू में, और जो कि 24 दिसंबर को 12 बजे रखा है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के ओनर हैं सभी परेशान और दुखी हैं सरकार की गलत नीतियों को लेके, चाहे वो स्कूल को रीओपनिंग हो, चाहे स्कूल को आगे संचालन करना है। FFRC जो कमेटी बनाई है हमारे ऊपर, वो ठीक है अपना काम करे, लेकिन अब उस कमेटी ने बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि तानाशाही, वो करना शुरू कर दी है। स्कूल के मोनोपोली, सॉरी स्कूल की जो अपनी अंदर जो सिस्टम चलाने हैं उसके अंदर अंदाजे करना शुरू कर दी है। तो हम ये सरकार से अपील करते हैं कि FFRC जो है अपना दायरे में रह के काम करें, अब फी फिक्सेशन जो है करें, लेकिन स्कूलों को गलत तरीके से हिदायतें ना दें, स्कूलों को हरास ना करें। और साथ में सरकार से ये भी अपील हम करते हैं कि जो लो बजट स्कूल हैं, जिनकी बेचारों की 300, 400, 500 रुपया फीस है, उन स्कूल के लिए क्या सोचा है? क्योंकि जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट ने ये मांगा था हम लोगों से कि रिकॉर्ड भेजी आप, स्कूलों को फाइनेंशियल एड दी जाएगी। आज तक वो फाइनेंशियल एड कहीं भी नहीं गई, कोई पता नहीं है। और कोविड कहते हैं, कोविड जो है वो सब जगह है, स्कूलों में खास करके बैठा हुआ है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले दिनों हमने देखा कि पंजाब जो नेबरिंग स्टेट है उसमें स्कूल खोले हैं, J&K में लॉकडाउन है, कठुआ के बच्चे वो पंजाब में जा रहे हैं, स्कूल बसेज यहाँ पे आ रही हैं कठुआ में लेने के लिए। ऐसा क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हमारे बच्चे वहाँ जाके कोविड से फ्री हो गए हैं पंजाब जाके? तो बंद करें ना, पंजाब गवर्नमेंट जो है हमारी J&K गवर्नमेंट सील करें ना बॉर्डर को, नहीं जाने देंगे बच्चों को बाहर। अगर बच्चे यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे तो पंजाब जाके क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब बाहर के आउटसाइडर आके हमारे बच्चों को बाहर ले जाएंगे और हम स्कूल उनका अपना स्कूल बंद रखें। इसके साथ साथ एक और मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट के साथ कि कम्युनिटी क्लासेस आप लगा रहे हैं, हमें पता है गवर्नमेंट स्कूल में सारे बच्चे आ रहे हैं, हम लोगों के लिए सारे रुकावटें रखी हुई हैं, तो बड़ी दिक्कतें हैं ट्रांसपोर्ट के, बड़ी दिक्कतें हैं, गाड़ियाँ बसेस हमारे 2 साल से खड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं ले रहे हैं, एनुअल चार्ज तो लेना नहीं वो नहीं लिया, एडमिट फी टोटली बंद है, ठीक है हम नहीं ले रहे हैं तो हम लेंगे क्या? इसके साथ क्वेश्चन ये भी आता है, कई मेरे मीडिया भाई पूछते हैं कि सर ये जो इस दौरान जिन लोगों का रोज़गार चला गया उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है, क्या गरीबों के लिए क्या सोचा है? तो भाई ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं एडमिशन कराते हैं, कोई फेथ होता है हमारे ऊपर, तो इसी फेथ को कायम रखते हुए उन पेरेंट्स को हमने आज तक कॉम से जुड़े हैं, आज तक हमारे स्कूल से कोई ऐसा बच्चा फीस की प्रॉब्लम को लेकर कभी स्कूल से टीचर लेके नहीं गया, क्योंकि हम उनको सेटिस्फाई करते हैं, हम उनकी फीस कम भी करते हैं, जहाँ देखे कि फाइनेंशियल कोई एड की जरूरत है उनको फ्री भी पढ़ा रहे हैं, और सभी स्कूल से ऐसा कर रहे हैं। हम समाज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और जहाँ तक पैसे की सवाल है तो आज बताइए आज कौन सा ऐसा दायरा है जिसमें बिना पैसे का काम होता है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे पास जो स्टाफ है क्या उसको तनख्वाह नहीं चाहिए? क्या सभी बीबीज दर तनख्वाह ले रहे हैं क्या? क्या हमारी माइयाँ माली ड्राइवर इनके बारे में सोचा नहीं? सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं क्या 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 करेंगे वो गरीब? क्या वो गरीब नहीं है? क्या वो हम हमारे ऊपर आश्रय लेके नहीं बैठे हैं? वो कहाँ जाएंगे? तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट देखे और प्राइवेट स्कूलों को खोलने की अनुमति दे। बाकी जो भी कोविड प्रोटोकॉल होंगे वो हम फॉलो करेंगे। और बड़ी बात जब गवर्नमेंट ये बोलती है कि पेरेंट्स की कंसेंट लेके हम काम करें, तो हम लेके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, पेरेंट्स हमें आज तंग करते हैं कि बच्चा हमें तंग कर रहा है, घर में पढ़ता नहीं, कहना नहीं मानता, स्कूल खोलिए सर, हम भेजने के लिए तैयार हैं। जब पेरेंट्स तैयार हैं, गवर्नमेंट 10th और 12th को खोल सकती है कंसेंट के साथ, तो बाकियों को क्या दिक्कत है?